सो चिल्ड्रेन द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर सिक्स एंड द नेम ऑफ दर इज ज़्यादा आपको कोई टच भी कर दे तो आप रोने लग जाओ दिस टाइप पर्सन इज सेंसिटिव पर्सन तो आपको कोई छू भी दे आपके तो बहुत तेज मार दिया मुझे तो ऐसे इंसान क्या होते हैं बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं सो बी सेंसिटिव टूवर्ड्स अदर मीन्स बींग Thoughtful about what you will say or do which will affect others. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि being sensitive towards other दूसरों की तरफ sensitive होना means आपका जो कोई friend है उसके लिए sensitive होना उसका तो मतलब है careful होना ये सोचना कि कहीं मेरी कोई बात मेरे फ्रेंड को बुरी ना लग जाए तो आप ये सारी चीज़ें सोचते हो जब आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हो किसी के लिए so let's see what's written here in the first picture you can see two boys are standing do स्टैंडिंग दो बच्चे खड़े Don't tease anyone for being tall fat short or thin तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि किसी को भी चिढ़ाना नहीं है डोन्ट टीज टीज मीन्स चिढ़ाना किसी को भी नहीं चिढ़ाना है किस लिए वो तो बहुत ही टॉल है बहुत ही फैट मीन्स मोटा है बहुत ही शॉर्ट मींस छोटी हाइट का है बहुत ही थी मींस पतला है तो किसी को भी इन चीजों के लिए नहीं चिढ़ाना है दिस इज बैड मैनर्स नाउ इन द सेकंड पिक्चर यू कैन सी दो बच्चे हैं जो आपस में लड़ रहे हैं डोंट ट्रीट समबडी रूडली ये जो बच्चा है बहुत गुस्से में दिख रहा है और वो दूसरे बच्चे को कुछ बोल रहा है सो डोंट ट्रीट समबडी रूडली किसी के साथ बदतमीजी से रूडली बात मत करो जस्ट बिकॉज ही इज डार्कर और फेयर इसलिए कि वो बहुत ज्यादा डार्कर मीन्स काला है और किसी से रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए सो so, उनके कॉम्प्लेक्शन के बेसिस पे हमें उनसे फाइट नहीं करनी चाहिए गॉड मेड ऑफ अस इक्वल भगवान ने हम सब को एक जैसा बनाया है नेक्स्ट डोन्ट लाफ इफ समॉल अगर कोई गिर जाता है तो हमें क्या करना नहीं चाहिए हंसना नहीं चाहिए Help him, her, to get up. उस इंसान को मदद करो ताकि वो उठ सके इसकी जगह कि आप उस पर हंस रहे हो नेक्स्ट इज बी पोलाइट टू एवरी वन सबके साथ प्यार से बात करो पोलाइटली बात करो पुअर पर्सन बैडली किसी भी गरीब इंसान पुअर के साथ व्यवहार मत करो का साथ हमें बहुत ही काइंडली बिहेव करना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए इंक्लूड न्यू स्टूडेंट्स एज योर फ्रेंड इन क्लास अगर आपकी क्लास में कोई नया बच्चा आता है कोई न्यू एडमिशन आता है तो आपको क्या करना है उस बच्चे के साथ फ्रेंडली बिहेव करना है उसको अपना दोस्त बनाना है फ्रेंड्स की तरह रखना है और उसको सब चीजों में हेल्प करनी है सो दीज ऑल थिंग्स यू शुड फॉलो चिल्ड्रेन